स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। आखिरकार एयर इंडिया अब टाटा की हो गई है। बता दें कि 1.2 लाख करोड़ रुपए की देश की एविएशन इंडस्ट्री के लिए इस साल बड़ा बदलाव हुआ है। सरकारी कंपनी एयर इंडिया 27 जनवरी 2022 को प्राइवेट हो गई है। टाटा सन्स ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया है। इसके बाद टाटा देश की दूसरी बड़ी एयरलाइन बन गई है। एयर इंडिया के हैंडओवर से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। इस संबंध में जानकारी देते हुए विनिवेश विभाग के सचिव ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। इसमें उन्होंने कहा कि एयर इंडिया को टेक ओवर करने की प्रक्रिया आज पूरी कर ली गई है और यह डील अब बंद हो चुकी है। इसके बाद चंद्रशेखरन ने कहा कि हम इस डील से काफी खुश हैं कि एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास आ गई है। हम अब एक वर्ल्ड क्लास की एयरलाइंस बनाने के लिए काम करेंगे। एयर इंडिया के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत अप्रैल 1932 में हुई थी। इसकी स्थापना उद्योगपति जेआरडी टाटा ने की थी। उस वक्त नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। बता दें कि जेआरडी टाटा ने महज 15 की उम्र में साल 1919 में पहली बार शौकिया तौर पर हवाई जहाज उड़ाया था, लेकिन शौक जुनून बन गया और जेआरडी ने अपना पायलट का लाइसेंस भी ले लिया। एयरलाइन की पहली कमर्शियल उड़ान 15 अक्टूबर 1932 को भरी थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।